हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेज स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय अंग्रेजी करेंगे, जिसमें बच्चों लर्निंग आउटकम्स E705 एक्टिविटी नंबर 1 करेंगे। इसमें दिया है बच्चों, विद्यार्थी दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित स्थान पर लिखें। तो बच्चों, यहाँ एक पैसेज दिया है हमें, इसको हमें पढ़ना है, फिर इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है, विनोद हैज कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग एंड प्लान्ड टू रीच होम एट इंदौर बाय नाइट। एज ही रीच्ड भोपाल रेलवे स्टेशन ही नोटिस दैट द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास। ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हीज ट्रेवल प्लान्स और टू बाय अ न्यू टिकेट। ही नोटिस्ड दैट देयर वर सम वेकेंट सीट्स इन द एसी कोचेस। ही बोर्डेड द ट्रेन ही गॉट इन टू द एसी एयर कंडीशन्ड कोच एंड सेट डाउन ऑन वन ऑफ द वेकेंट सीट। तो बच्चों, हमें इस पैसेज के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है, तो चलिए बच्चों करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुने। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, वेयर डिड विनोद गो। तो बच्चों, इसमें पूछा है विनोद कहाँ गया। तो बच्चों, इसका उत्तर है भोपाल, तो यहाँ हम लिखेंगे भोपाल, ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, वाई डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय एसी क्लास। तो बच्चों, इसका उत्तर है द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड। तो बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, ठीक है। इसका तीसरा प्रश्न करते हैं बच्चों, हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट। तो बच्चों, यहाँ आएगा ऑप्शन ए विनोद, तो यहाँ लिखेंगे हम विनोद, ये विनोद लिखा है बच्चों, ठीक है। इसका अगला प्रश्न है बच्चों, इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द लाउड स्पीकर एट अ रेलवे स्टेशन आर कॉल्ड। तो बच्चों, यहाँ आएगा ऑप्शन ए अनाउंसमेंट, यहाँ हमने लिखा है अनाउंसमेंट, ठीक है। इसका अगला प्रश्न है बच्चों, अ पीस ऑफ पेपर दैट गिव्स द राइट टू एडमिशन इन ए ट्रेन और अ बस इज कॉल्ड अ। तो बच्चों, यहाँ लिखा है हमने ऑप्शन बी टिकट, तो इसका उत्तर है टिकट, ठीक। इसका अगला प्रश्न है, अ प्लेस नियर अ रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर्स टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन्स इज कॉल्ड। तो बच्चों, इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेटफॉर्म, तो यहाँ हमने लिखा है प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसका अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, निम्नलिखित सेंटेंसेस को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उन्हें उचित क्रम में अरेंज करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं हमें, इनको हमें सही क्रम में लिखना है। जैसे कि बच्चों, इसका पहला पॉइंट लिखा है, देन द ट्रेन अराइव्ड एंड सी बोर्डेड द ट्रेन। और बच्चों, दूसरा पॉइंट है, रीता वांटेड टू गो टू इंदौर बाय ट्रेन द नेक्स्ट डे। अगला पॉइंट है, सी एंजॉयड द जर्नी वेरी मच। नेक्स्ट डे सी रीच्ड द स्टेशन विल बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। अगला पॉइंट है बच्चों, सी बॉट अ वैलिड टिकट फॉर एसी क्लास फ्रॉम द रिजर्वेशन काउंटर एंड रिटर्न होम। और बच्चों, इसका अगला पॉइंट है, सी हर्ड द अनाउंसमेंट केयरफुली एंड रीच्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो बच्चों, यहां हमने इसको अरेंज करके लिखा है, जैसे कि रीता वांटेड टू गो टू इंदौर बाय ट्रेन द नेक्स्ट डे, सी बॉट अ वैलिड टिकट
फॉर एसी क्लास फ्रॉम द रिजर्वेशन काउंटर एंड रिटर्न होम नेक्स्ट डे. सी रीच्ड द स्टेशन वेल बिफोर द ट्रेन अराइव्ड. सी हर्ड द अनाउंसमेंट केयरफुली एंड रीच्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 3. देन द ट्रेन अराइव्ड एंड सी बोर्डेड द ट्रेन. सी एंजॉयड द जर्नी वेरी मच. तो बच्चों हमने इन सेंटेंसों को अरेंज करके यहाँ लिखा है. इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हो. यहाँ लिखा है हमने सबसे पहले बी, फिर ई, फिर डी, एफ और फिर ए और सी. तो बच्चों यहाँ हमने इस क्रम के आधार पर इस सेंटेंसों को लिखे हैं. बच्चों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो बच्चों लाइक कर दीजिए, और बच्चों यहाँ वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो. धन्यवाद बच्चों.